ये श्रीकांत ये पूरी टीम है हमारी, ये पिछले 10 महीने से हर एक कंटेंट पे काम कर रही है, हर एक सेक्शन में हर एक इसमें तुर्रम खान लोगों को हम लोगों ने हटा के लाया। इट्स एंटायरली कोर्ट रूम ड्रामा, फैमिली ड्रामा। इस तरह के केसेस जब होते हैं तो मजा आता है। मुझे इसमें एक और चीज अच्छी लगती है जो है कि बाप और बेटी का कनेक्शन, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके बगल में राकेश ठाकुर बैठे हैं, बजफ्लिक्स के ओनर, तो बजफ्लिक्स को लेके क्या कहना चाहेंगे? जब मैंने बजफ्लिक्स के बारे में सुना था, इनकी पहली चीज ये थी कि ये फैमिली ड्रामा होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट देन एनी अदर ओटीटी, जो आई थिंक अभी की रिक्वायरमेंट है। हम एक ही तरह का कंटेंट देखते के बोर हो चुके हैं, वी नीड मोर ऑफ इट। एक और चीज़, हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर देख सकें। सिर्फ बच्चे ही अपने मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड नहीं करें, ये डिफरेंट होगा कि बजफ्लिक्स को पेरेंट्स डाउनलोड करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा ये किरदार जब मैंने सुना था, कुछ खास वजह, आई थिंक मेरी आवाज़ जो बहुत दमदार है वो आपको सुनाई देगी और फिर आपको लगेगा कि कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है, यही आवाज़ हमें इस कैरेक्टर के लिए चाहिए थी। आई थिंक 2 साल हो गए मुझे ऐसा कैरेक्टर का इंतजार था, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। जब आपके पास ये प्रपोजल आया तो पहला रिएक्शन क्या था आपका और क्यों आप इस पार्ट बनी इस वेबसीरीज का? कई बार क्या होता है ना, जो चीज़ आप करना चाहते हो आप उसी को लेकर नर्वस हो जाते हो कि ऑडिशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो पहला रिएक्शन तो यही था कि करना तो मुझे यही है और कोई गलती ना हो जाए ऑडिशन में, या ऐसा ना हो कि किसी को पसंद ना हो। मैंने बहुत मेहनत की थी एंड हियर आई एम, आई एम डूइंग इट, आई एम वेरी एक्साइटेड। राकेश जी, कुछ खास वजह श्वेता जी का होने का इस वेब सीरीज में? श्वेता जी को हम लोगों ने रोडीज में देखे है। रोडीज में वो हर एक टास्क के पीछे में इतना फाइट करते थे ना कि उन्होंने रोडीज तो उस समय में विन हो चुके हैं। एट द एंड में श्वेता जी जो है वो एक फिटनेस आइकॉन है, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस कैरेक्टर के लिए इससे अच्छा कोई जा सकता था आज के समय में? हम तो सोच ही नहीं सकते थे, बिकॉज ऑफ श्वेता जी का जो ऑरा है, श्वेता जी जो कैरेक्टर में घुस के काम कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखे हैं, सो एक हमें छू गया। तो राकेश जी, आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट वेब सीरीज है आपकी जिसकी शूटिंग चल रही है, तो आप बोल रहे हैं ये फैमिली ड्रामा है, तो क्या लगता है फर्स्ट वेब सीरीज से जो आपकी एंट्री हो रही है फैमिली ड्रामा से, तो क्या दर्शकों का प्यार उतना मिल पाएगा? बिल्कुल, एक हमारा फैमिली ड्रामा के साथ में कोर्टरूम ड्रामा है। अभी कुछ कुछ चीजें आपके सामने में रिवील हो चुकी है, बट स्टिल मैं कुछ और रिवील नहीं करना चाहूंगा। इसमें एक बाप बेटी का प्यार है, एक हम जहाँ पे काम करते हैं उस जगह का लगाव होता है। इसके अंदर में एक एक्सपीरियंस होता है जिंदगी के अंदर में कि हम लोग किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो हमें कहीं का एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है, उसको एक साझा किया गया है एक अच्छा कैरेक्टर को लेकर। और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं फैमिली से लेकर, फैमिली ओरिएंटेड हम लोग ऐसा वेब सीरीज बनाना चाहते हैं कि जिसमें परिवार का हर एक आदमी बैठ के देखे, समझे, कोई भी ऐसा इसमें आपत्तिजनक कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं हमारे कैरेक्टर से लेकर वेब सीरीज बने तक, बिकॉज अब हम बजफ्लिक्स एक फैमिली ओरिएंटेड चैनल है। तो बजफ्लिक्स जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इस पर आपके द्वारा ही बनाए गए वेब सीरीज या फिल्म्स होंगी क्या, और भी लोगों के लोगों को भी प्लेटफॉर्म देंगे आपके? बिल्कुल, हम लोग आने वाले समय पे हम लोग लोगों को बोलेंगे कि बनाइए, प्रोड्यूसर जी है, जैसे कि काफी लोग है इंडस्ट्री के अंदर में जो बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारा पहला एक ही सवाल होगा कि हम सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड कहानी बनाते हैं। सेकेंड वन, हम लोग कोई भी कथा हो, कोई भी स्टोरी हो, उसके अंदर में इतना घुस जाते हैं कि सामने वाला इंसान इरिटेट होता है। बिकॉज ऑफ, देखिए, आप बिना वल्गैरिटी के कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को लेकर उसे खेलना पड़ता है। आई थिंक श्वेता जी भी एंजॉय कर रहे हैं अभी, उन्हें उस कैरेक्टर का महत्व समझा, उन्होंने उस चीज़ को जी रहे हैं अभी 3 दिन से, सो उन्हें वो चीज़ों का पता लग रहा है और हम लोग डीपली उसका रिसर्च करके चीज़ें आपके सामने में लेकर आ रहे हैं। श्वेता जी, किस जोनर में आप खास कंफर्टेबल होती हैं काम करने के लिए और ये फैमिली ड्रामा आपके सामने नया होगा? मैं फिटनेस में 8 सालों से हूँ, मुझे ग्लैमरस साइड भी पसंद है, बट मुझे ये भी लगता है कि सिर्फ स्किन शो करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आप कपड़े पहन के पूरी बॉडी को ढक के भी एक्टिंग कर सकते हो। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी एक्साइट की थी। सी, आई हैव वोर बिकिनी मेनी टाइम्स ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज। ये एक ऐसी चीज़ होती है, लोगों को लगता है कि श्वेता है, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल विद एनी काइंड ऑफ क्लोथिंग,
बट वो मुझे एक्साइट नहीं करता, वो तो मैं कर ही लूंगी. मुझे कुछ ऐसा करना था जो सिर्फ चेहरा और एक्टिंग वो दिखाने का मौका मिले, और वो इसमें मिल रहा है. तो श्वेता का असलियत रूप इस इसमें दिखने मिलेगा क्या दर्शकों को? मेरा कैरेक्टर, क्योंकि वो लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे कि श्वेता आ रही है तो मतलब कुछ होगा मसाला. ये चीज, यही मिथ हम शायद बस्ट करने वाले हैं. देयर इज नो वल्गैरिटी, देयर इज नो स्किन शो एट ऑल. तो अब आप अपने कैरेक्टर के साथ कितना खेलते हो, एंड मुझे मुझे पूरी उम्मीद है ऑडियंस को फिर भी ये कैरेक्टर अच्छा लगेगा, बिकॉज ये बहुत दमदार है. इट्स वेरी बोल्ड, बोल्ड इन अ वे कि उसका बोलने का तरीका इतना स्ट्रांग है कि किसी को भी वो रोक कर बैठ सकती है स्क्रीन पे. तो श्वेता जी, आपने इस कैरेक्टर की काफी तारीफ करी, तो इस कैरेक्टर के लिए क्या आपको कुछ खास तैयारी भी करनी पड़ी थी इस कैरेक्टर में बैठने के लिए? आई थिंक नहीं, 80% तो मैं ऐसी हूँ. आई स्पीक, आई हैव माई ओपिनियंस. मुझे पता है कि मुझे अपनी बात कैसे रखनी है और कैसे किसी को समझाना है. तो मेरा बचपन का सपना भी इससे रिलेटेड है, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहती. 80% मैं ऐसी हूँ, 20% तो काम करना पड़ता है हर किसी को. बड़े सेलिब्रिटी आपके साथ काम कर रहे हैं इस वेब सीरीज में, उनके कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक तो यहीं बैठे हैं हमारे. सी, स्क्रीन शेयर करना इज डिफरेंट थिंग. स्क्रीन जब आप शेयर कर रहे होते हो तो हर कोई अपना अपना पात्र निभा रहा होता है. आप ऑफ स्क्रीन उनसे कितना सीखते हो वो ज़्यादा मैटर करता है, और मैं यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए आई हूँ. श्वेता जी से तो अभी मैं कल एक दिन पहले हमारी मुलाकात हुई, बट मुझे लग रहा है जिस तरह से ये बोल रही है, जिस तरह से इनका बेबाक अंदाज है बोलने का, तो ये कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को बखूबी बहुत अच्छे से निभाने वाली है, इतना तो पता चल गया. क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा ही है, इसी तरह का कैरेक्टर है वो. तो मुझे नहीं, मुझे लगता है कि 101% कास्टिंग जो इनकी हुई है वो सुपर है.